मैं भी उपाध्याय विजुअल फ्रेंड कंप्यूटर टीचिंग का ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करना स्टूडेंट। आज हम फिर एक टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक भी आपके अकाउंट्स पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इस टॉपिक को मैंने टैली आरपी में बताया हुआ, लेकिन अब मैं इसको टैली प्राइम में भी कैसे यूज किया जाता है और कैसे टैली प्राइम मेंटेन करने का सही तरीका है। तो आज हम जानेंगे कि सेल ऑर्डर क्या होता है और उसे टैली प्राइम में मेंटेन कैसे करना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, टैली प्राइम में सेल ऑर्डर मेंटेन करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर क्या होता है इन टैली प्राइम। ऑर्डर प्रोसेसिंग इज द लिंक्ड टू इन्वेंटरी। These always tracking for tracking of the order position for a stock item. The using these you can be track the arrival of the goods order and the whether the ordered stock item are the delivery on time etc. तो चलिए स्टूडेंट इसका डेफिनेशन हिंदी में जाने। सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हम कस्टमर से बिक्री के उद्देश्य से लिखित में ऑर्डर प्राप्त करते हैं। सेल ऑर्डर में माल की सूची, उसकी मात्रा और उसकी रेट लिखित में दर्ज की जाती है। तो इसको टैली प्राइम में कैसे करना है चलते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले टैली प्राइम में आपको बाउचर खोलना है, वहां पे F10 फंक्शन को अलाउ करना है। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले टैली प्राइम में और एक नई कंपनी क्रिएट करने के साथ काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम सेल ऑर्डर के नाम से ही कंपनी बनाते हैं। सेल ऑर्डर, ये सेल ऑर्डर के नाम से कंपनी बन गई स्टूडेंट, और यहाँ बना के एंड सेल करा दिए। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, आप इस फंक्शन को मेंटेनेंस यस होना चाहिए, बकिया सारा ऑप्शन बंद कर दीजिए। अभी कोई हमारे मतलब का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सीधे आप बाउचर में जाएंगे, बाउचर यहाँ पे आपको दिख रहा है, जहाँ बिल बनाते हैं और वहाँ पे F10 प्रेस करेंगे। F10 तो वहाँ पे आप शो इंटरक्टिव पे इंटर करिएगा, तो सबसे नीचे बॉटम मीडियम में मिलेगा आपको। एंड यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपको मिलेगा सेल ऑर्डर कंट्रोल F8। देखिए यहाँ पे जैसे सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है कंट्रोल F8, यहाँ पे कंट्रोल F8 प्रेस करेंगे, तो ये आपका यस अलाउ करिएगा। सेल ऑर्डर यहाँ पे आपका टॉप पे सेल ऑर्डर लिखा हुआ स्टूडेंट आ जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे सेल ऑर्डर हम किससे करना है उसका क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे सेल ऑर्डर द प्रभात, किसको माल बेचना है, सेल ऑर्डर टू प्रभात इलेक्ट्रॉनिक को मुझे ऑर्डर देना है, यानी इसे ऑर्डर माल बेचने के लिए उसे ऑर्डर लिया जा रहा है प्रभात इलेक्ट्रॉनिक को। तो यहाँ पे मैंने अल्टर सी से प्रभात नाम से खाता बना रहा हूँ, प्रभात इलेक्ट्रॉनिक, ये संडी क्रिएटर्स भी जाएगा स्टूडेंट, और सेव करा लीजिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको और आगे बढ़ते चलिएगा। यहाँ पे सेल ऑर्डर नंबर आपको डालना है स्टूडेंट, यहाँ पे पूछेगा सेल ऑर्डर नंबर क्या है देख लीजिए। एंड सेल ऑर्डर नंबर 102 है, यानी सेल ऑर्डर नंबर 102 102 एंटर, और सेल का लेजर बना लीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ सेल सेल का अकाउंट सेल में डाल दीजिएगा और सेल सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट। क्या ऑर्डर लेना है सेल ऑर्डर का, हमें वही लिखना है सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर C100 100 पीस का ऑर्डर देना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर C100 एंड अल्टर सी पीसेस बना देते हैं स्टूडेंट, और कितना पीस देना है 100 पीस, यहाँ पे स्टूडेंट डालते हैं 100 पीस। रेट ऑफ वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे है 5400, इंटर करेगा 5400। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप सेव करा लीजिएगा, ये सेल ऑर्डर रिपोर्ट बनके तैयार हो गया है। अगर इसका इसका हिसाब कहीं देखेंगे तो कहीं भी स्टॉक में नहीं दिखाई देगा। अगर मान लीजिए आपका परचेस नहीं है तो भी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और पार्टी का अकाउंट देखेंगे तो उसका अकाउंट भी जनरेट नहीं हुआ है, नहीं उसका अकाउंट तो बन चुका है लेकिन उसका उसके अकाउंट में कोई भी लेन देन नहीं हुआ है। यानी ये सेल ऑर्डर है एक अभी टेम्परेरी बिल होता है जिसको कैंसिल हो जाए, इसका इफेक्ट ना अकाउंट में पड़ता है ना स्टॉक में पड़ता है जब तक फाइनल बिल ना बनाया जाए। इसलिए फायदा होता है सेल ऑर्डर बनाने से, जब आप सेल ऑर्डर दोबारा आपको लंबी चौड़ी एंट्री करना नहीं पड़ता है, सीधे एफिट डबाएंगे
और प्रभात इलेक्ट्रॉनिक पे इंटर करेंगे जिसके जिस पार्टी से आपने ऑर्डर लिया था, और सेल ऑर्डर नंबर यहाँ पे आपसे पूछेगा। सेल यहाँ पे जाके 102 पे इंटर करेंगे और इंटर करते हुए जो आपने ऑर्डर लिस्ट बनाया था सेल ऑर्डर में, वो पूरा का पूरा आइटम यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाता है। देखिए फ्रेंड, और यहाँ पे ये प्रिंट हो गया और यहाँ पे सेव करा लीजिएगा, तो इसका ये रिपोर्ट आपके स्टॉक समरी में भी आएगा। आप चेक करना है स्टॉक समरी में, तो स्टॉक समरी में यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इंटर करेगा, देखिए यहाँ पे लिख रहा है स्टूडेंट एंड सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर C100 100 पीस, माइनस लिख रहा है क्योंकि मैंने परचेज नहीं किया, डायरेक्ट सेल ऑर्डर लिया था। एंड अगर अकाउंट में देखेंगे तो यहाँ अकाउंट में भी दिखेगा, अकाउंट में प्रभात इलेक्ट्रॉनिक में जाएंगे तो यहाँ पे प्रभात इलेक्ट्रॉनिक को 540,000 रुपए का मैंने मालिक को बेचा हुआ है, फाइनल सेल है। तो सेल ऑर्डर से फायदा होता है, और फिर फाइनल सेल बनाने में ये होता है कि थोड़ी सी आपको डेटा को लॉन्ग एंट्री करने की आवश्यकता दोबारा नहीं पड़ती है।